रेडी स्टार्ट करें, डिस्कस किया जाए, क्योंकि बेसिकली हम लोग आज इंट्रो क्लास में हैं और मैथ्स सब्जेक्ट है। इसके पहले आप लोगों ने रीजनिंग और इंग्लिश की क्लासेस कर चुके हैं आप सारे लोग, तो एक आइडिया होगा आपको बेसिक कि इस बैच के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं। और आज मैथ्स का बैच है, मीन्स मैथ्स की क्लास है, तो हम लोग सारी बातें मैथ्स के रिगार्डिंग करेंगे। सो बेसिकली हम लोग जो है इसमें जो मैथ्स का पैटर्न है सीजीएल को फोकस करते हुए, आपको पता है कि एसएससी एग्जामिनेशन में जो टॉप मोस्ट एग्जाम है वो सीजीएल है। अगर हम इसको कवर करते हैं तो इसके साथ अदर वन डे एग्जाम मीन्स लाइक एसएससी में जो सीएचएसएल है, एमटीएस है, उसका लेवल अपने आप कवर हो जाता है। तो जो बेसिक चीजें हैं जो हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे, उसके पहले जो आपको एक ब्रीफ आइडिया जो लास्ट रीजनिंग की क्लास में बसंत सर ने आपको दिया था, मेरा सब्जेक्ट मैथ्स है तो सारी बातें हम लोग मैथ्स की रिगार्डिंग करने वाले हैं। तो होता क्या है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जो मैथ्स वाला सब्जेक्ट है उस पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको पता है 25 आते हैं, टोटल मार्क आपका 50 होता है। टाइम अलॉटमेंट जो है वो ओवरऑल है, एसएससी में सेक्शनल नहीं होता है, मींस 60 मिनट है, तो उसी 60 मिनट में हम लोग फोकस करते हैं कि मैथ्स के सेक्शन में कितना टाइम दिया जाए। तो बेसिकली 25 क्वेश्चन करने के लिए मैक्स अगर जो मोस्ट है वो आप हार्डली 20 मिनट्स दे सकते हैं, मींस 20 मिनट में आपको 25 सवाल का टारगेट करना है। ये एक बेसिक अप्रोच आपके माइंड में होनी चाहिए कि हाँ मुझे मिनिमम 20 मिनट्स दे सकते हैं इस सेक्शन के लिए और 25 क्वेश्चंस करने। अब बात आएगी कि 20 मिनट्स में 25 हो पाएंगे या कैसे किए जाएंगे, इन सारी बातों पे भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन पहले आपको समझना है कि जो टारगेट लेके चलना है मैथ्स के रिगार्डिंग, वो 20 मिनट का लेके चलना है और उसमें क्वेश्चन हमारे पास है 25। कोशिश करनी है कि सारे करें या जो भी करें वो एक्यूरेट करें, क्योंकि यहाँ सारा गेम स्पीड का है बट एक्यूरेसी के साथ। अगर आपको नॉलेज है, आप सही करेंगे, एक्यूरेट करेंगे, तो फिर वहां आपको निगेटिव मार्किंग से प्रॉब्लम नहीं होगी। अदरवाइज निगेटिव मार्किंग भी होती है तो वो आपका टाइम जो है वेस्ट होगा और साथ साथ नंबर भी कटेंगे। तो ये एक्यूरेसी का जो पॉइंट है ये ध्यान रखना है मैथ्स के बिहाफ पे। मेंस के पेपर में जो आना है उसमें मैथ्स का क्या रोल है, तो जो सेक्शन वन में मॉड्यूल वन है उसमें हम लोग मैथमेटिकल एबिलिटी पढ़ेंगे, जिसमें 30 क्वेश्चन आते हैं और ये 3 मार्क पर क्वेश्चन है, तो टोटल जो स्कोर है वो 180 है। यहाँ देखो वेटेज परसेंटेज वाइज दिया हुआ है, मीन्स मैथ्स का जो वेटेज है ना वो 23% है, 23% वेटेज आता है मैथ्स के लिए। इसके अलावा जब हम लोग बात करेंगे कि सर इस मैथ्स के सेक्शन में क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या हमें पढ़ना है, हमने क्या किया, देखो सिलेबस को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। जो पहली कैटेगरी है उसमें हम लोगों ने अर्थमेटिक वाला सेक्शन उठाया है, तो अर्थमेटिक वाले सेक्शन में अगर आप ध्यान से देखें तो देखो पहला जो टॉपिक है वो सिंप्लीफिकेशन है। सिंप्लीफिकेशन कहने का मतलब क्या है कि कैसे हम अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करेंगे, जिसको हम लोग स्पीड मैथ्स कहते हैं। कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए जो स्पीड मैथ्स वाला सेक्शन है ना वो बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप तभी अच्छा कर पाएंगे जब कैलकुलेशन आपकी फास्ट होगी। इसके लिए हम लोग ट्रिक सीखेंगे। सिंप्लीफिकेशन में प्लस माइनस इनटू डिवाइड जो भी बेस्ट पॉसिबल ट्रिक हो सकती है उन सबको हम लोग अप्लाई करेंगे इस चैप्टर। दूसरा जो टॉपिक आता है उसको नंबर सिस्टम कहते हैं, हिंदी में हम लोग बोलते हैं संख्या पद्धति। इसमें एलसीएम एचसीएफ को भी हम लोग कवर करने वाले हैं, ये सारा सेकेंड टॉपिक में कवर कर लेंगे। फिर जो मेन स्टार्टिंग होती है मैथ्स में वो बेसिक है अर्थमेटिक से। परसेंटेज का जो अर्थमेटिक में रोल है वो मेन है, परसेंटेज से ही सारी कहानी स्टार्ट होती है। हम परसेंटेज जब सीख लेते हैं अच्छे से तो वहां प्रॉफिट एंड लॉस और एसआईसीआई में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये तीनों टॉपिक अप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज है। परसेंटेज को हिंदी में समझते हैं आप प्रतिशतता कहते हैं, प्रतिशत के बारे में आपने हमेशा पढ़ा है। प्रॉफिट लॉस हिंदी में लाभ हानि, एसआईसीआई साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। फिर आता है अगला टॉपिक एवरेज का, जिसको हम लोग औसत कहते हैं, औसत वाला टॉपिक। रेशियो प्रोपोर्शन, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन
पार्टनरशिप, ये सारे सवाल भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो ऐसे केसेस में जब आपको पता है कि मिक्सचर रिलेशन तभी आ सकता है जब आपको रेशियो के कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो देखो जो मिक्सचर रिलेशन वाला टॉपिक है ना, वो एक कॉन्सेप्ट नहीं है, एक वो कॉन्सेप्ट है लेकिन वो चैप्टर वाइज वेरी करता है। अगर आपने मिक्सचर रिलेशन कभी पढ़ा हो, नाम सुना हो, क्या एकेडमिक में आपने ये टॉपिक कभी पढ़ा है? जरा ये बताइए मुझे, ये आप मुझे बताइए, क्या आपने एकेडमिक में हाई स्कूल तक जो मैथ्स हम लोगों ने पढ़ी है, क्या उसमें ये वाला टॉपिक कभी पढ़ा है? मुझे नहीं लगता है कि किसी ने मिक्सचर रिलेशन का टॉपिक एकेडमिक में पढ़ा हो। कमेंट करेंगे एक बार आप सारे लोग तो मुझे कंफर्म हो जाएगा। ईशान कह रहे हैं नो सर। इसके अलावा देखो रिंकू है हमारे साथ और हबीबा, अजय, सारे लोग, मुझे रिप्लाई सारे लोग करो। रिप्लाई आप करेंगे ना तो मुझे ज्यादा आइडिया लगेगा कि हाँ आप सारे लोग मुझे सुन पा रहे हैं। तो जो ये रिंकू, ओके गॉट इट, फैजान, बहुत बढ़िया। तो ये टॉपिक ऐसा है ना कि इसको हम लोग यहाँ इतने बेहतर तरीके से करेंगे कि मोस्ट ऑफ द टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे मिक्सचर रिलेशन से। ये ऐसा ट्रिक है कि जो हर टॉपिक में अप्लाई होता है, लेकिन उसके पहले जो मैंने आपको बेसिक बताया ना, वो सारे टॉपिक आने चाहिए। इसीलिए मैंने इस ऑर्डर में रखा हुआ है कि कब कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे और इसी क्रम में हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर आता है टाइम एंड वर्क, जिसमें पाइप एंड सिस्टर्न वाले सवाल आते हैं, टैब वाले, नल टंकी वाले। जैसे लिखा होता है कि पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 20 आवर्स, पाइप बी कैन फिल द सेम टैंक इन 25 आवर्स। तो ऐसे सवाल जिसमें टैब होंगे, टैंक होंगे, तो पूछा जाता है कितना टाइम लगेगा फिल करने। स्वैब और जैनब, ओके। फिर अगला टॉपिक आता है टाइम एंड डिस्टेंस, देन आता है ट्रेन बोट। ट्रेन बोट के जो क्वेश्चंस है ना, उसी टाइम एंड डिस्टेंस पर ही बेस्ड है। टाइम एंड डिस्टेंस का फार्मूला, जो बेसिक फार्मूला है, वो कितने लोग जानते हैं? स्पीड का, स्पीड निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कोई बता सकता है मुझे स्पीड का फार्मूला? बिल्कुल आसान है, बहुत ही बेसिक है, कोई बता सकता है क्या? स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, कौन बोलेगा? एनीबॉडी? स्पीड का फार्मूला मुझे कौन बताएगा? स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। बिल्कुल बेसिक फार्मूला, डी बाई टी। बिल्कुल रिंकू, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है फार्मूला, कि हम लोग अगर डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगी? स्पीड आ जाएगी। इसी तरीके से नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी को भी मैंने अर्थमेटिक में ही रखा हुआ है। तो ये सारे टॉपिक आपको यहाँ पढ़ने हैं। इसमें कुछ टॉपिक स्पेशली मेंस में आते हैं, बट ये पहले से कहीं रिटेन में नहीं होता है कि ये टॉपिक प्री में आएगा, ये मेंस में आएगा। प्री मेंस दोनों में एक ओवरऑल सिलेबस है जिसमें लेवल का डिफरेंस हो सकता है, बट बेसिक सब जगह सेम चलता है। इसलिए हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो से। तो क्या यहां तक आप सारे लोग क्लियर हैं? एक बार मुझे कमेंट करके बताइए जरा, सारे लोग कमेंट कीजिए कि सर यहां तक क्लियर है। देखो यूपीएससी सीसेट का मैथ डिफरेंट है रिंकू, और सीजीएल मैथ्स का डिफरेंट है। हाँ बेसिक जब आप सीजीएल का कर लेंगे तो वो यूपीएससी में हेल्प करेगा आपको सीसेट में, बट सीसेट का जो लेवल है ना, वो सीजीएल मैथ से थोड़ा अप हो जाता है। इसलिए बेसिक पढ़ने के लिए हमें सीजीएल वाली मैथ्स आनी चाहिए। क्लियर? ये बात समझ आ गई? तो यहां तक अगर सारे लोग कंफर्म हैं, ओके हैं, तो एक बार कमेंट करिएगा कि सर बिल्कुल यहां तक सारी पॉइंट क्लियर हो गए। अब बात करते हैं सेकंड सेक्शन की, जो एडवांस मैथ के नाम से हम लोग पढ़ते हैं। एडवांस मैथ में देखो चार टॉपिक हमने रखे हुए हैं स्पेशली। मेंसुरेशन, जिसमें 2D 3D दोनों आएगा, ट्रिग्नोमेट्री, और स्पेशली ज्योमेट्री और अलजबरा। ये सारे टॉपिक हम लोग एडवांस मैथ में पढ़ते हैं। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कितने सवाल कहाँ से आते हैं। जैसे अगर हम लोग अर्थमेटिक की बात करें, तो अर्थमेटिक वाले सेक्शन से
आपको 10 से 12 सवाल देखने को मिल जाते हैं एग्जाम में। इसी तरीके एडवांस मैथ्स में आपको 8 से 10 सवाल देखने को मिल जाते हैं। तो ये बाइफरकेशन है अर्थमेटिक और एडवांस। लेकिन एडवांस में चीजें कॉन्सेप्ट के साथ हैं, ट्रिक्स भी हैं, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी होता है, लाइक फार्मूले। जैसे कितने लोग अलजेब्रा में फार्मूले जानते हैं जो कि बेसिक है, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सारे बेसिक फार्मूले आपको एकेडमिक में पढ़ाए जाते हैं। तो ये सारे फार्मूले आपको आने चाहिए, क्लियर है? ये सारे फार्मूले आप सभी को आते होंगे, इसमें तो कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। हम बात करेंगे तीसरा सेक्शन सर कौन सा है। तो देखो जो तीसरा सेक्शन है वो है स्पेशली स्टैट्स वाला, जिसमें डीआई का पोर्शन भी मैंने इंक्लूड कर लिया है। डीआई समझते हैं ना, आंकड़े विश्लेषण, हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग आंकड़े विश्लेषण, रिलेटेड टू ग्राफ। जो ग्राफ वाले क्वेश्चंस है ना उनको डीआई बोलते हैं। लेकिन जो नया सिलेबस आया है सीजीएल का लास्ट ईयर से, उसमें स्टेट्स वाला पोर्शन भी ऐड कर दिया गया है। मीन्स हम लोग कैसे मीन निकालना है, कैसे मोड निकालना है, कैसे मीडियन निकालना है, ये भी पढ़ेंगे। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की बात करेंगे, वेरिएशन क्या होता है, मीन डिविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, टेबुलेशन क्या होता है, ये सारे टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। और फिर जब बात करेंगे डीआई की, तो उसमें टेबल, बार, पाई चार्ट, मिक्स ग्राफ मींस लाइन चार्ट, ये सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे इस कंप्लीट बैच में। मींस ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे हम लोग सारे सीक्वेंस में चलने वाले हैं, क्योंकि 2 से 3 नंबर आपका यहाँ कवर करेगा इस सेक्शन में। ओवरऑल 25 में अगर हम बात करें तो 12 सवाल अर्थमेटिक के आप मान सकते हैं, 10 सवाल एडवांस मैथ के मान लीजिए, और 3 नंबर आपका इधर से कवर हो जाएगा इस डीआई वाले और स्टेट्स वाले पार्ट। तो ये 25 का ओवरव्यू है। क्या इतनी बातें आप सभी को क्लियर हैं? आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सर हाँ, यहां तक तो बात समझ में आ गई कि मुझे क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं इस बैच में। जब लोग बैच स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल स्टार्टिंग से सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको ट्रिक्स भी बताई जाएंगी कैसे कैलकुलेशन को फास्ट कर। अभी मैं आपको 2-4 एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा अभी, लेकिन पहले आप मुझे यहां तक डन कीजिए। फैजान, ओके, सैब ने बोला कि रिप्लाई, ओके, यस, गुड। एंड इसके अलावा रिंकू, जैनाब, सोएब, सारे लोग ओके है ना? हबीबा, क्लियर हुआ बेटा? ठीक है, अच्छी बात है, वेरी गुड। हम लोग बात करेंगे कि देखो मैथ्स में हमें क्या फोकस करना है जिससे हमारा मैथ्स अच्छा हो जाए और सिलेक्शन भी हो जाए अच्छे अंकों के साथ। अच्छा, पहली बात तो मुझे एक बार जरा ये बताइए, ऐसे कितने लोग हैं आप में से जिनको लगता है मैथ्स से बहुत ज्यादा डर? ऐसा कोई है जिसको लगता हो कि मैथ्स और मैं, मींस ऐसा कोई है कि सर मैथ्स और आई, मतलब या तो मैं या तो मैथ्स, दोनों एक साथ नहीं हो सकते? कितने ऐसे लोग जिनको लगता है मुझे लगता है सर मैथ्स से डर? जल्दी से मुझे बताइए। तो मैं आपको बताऊं कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों हम लोग मैथ से डरते हैं, या क्या हमें करना है इसको अच्छा करने के लिए। रिंकू कह रहे हैं और स्वैप कह रहे हैं कि डर लगता है, और कोई ऐसा, और किसी को डर नहीं लगता, मतलब सारे लोग कह रहे हैं सर मेरा मैथ्स तो अच्छा है। ओके, देखिए मैथ्स में हम लोग 2-3 बातों पे फोकस करें। पहली बात तो हमें स्पीड अगर अपनी बनानी है, जल्दी करने की अगर आदत डालनी है, तो जो ट्रिक्स हैं वो तो बात की बात है, लेकिन पहले बेसिक चीजें आनी चाहिए। आप कहेंगे सर बेसिक क्या होता है? बेसिक कहने का मतलब है कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको टेबल आने चाहिए। आप में से कितने ऐसे लोग जिनको 20 तक का टेबल आता है? ऐसे कोई पर्सन है जिनको 20 तक मुझे ओरल आता हो? अगर हम आपसे बोलेंगे कि 79 जा, तो आप बता पाइए बिना 1 जा 2 जा किए?
कौन बता सकता है 79 जा कितना होता है? एनीबडी आंसर कीजिए, 79 जा कौन बताएगा? 153। ओके वेरी गुड, सैब ने आंसर कर दिया फास्टली, बहुत बढ़िया। तो एटलीस्ट टेबल आप 20 तक लर्न कीजिएगा मिनिमम। इसके अलावा जब हम बात करते हैं स्क्वायर की, तो स्क्वायर आपको कहां तक आने चाहिए? 50 तक। बोलिए आप में से 20 तक कितने लोगों को आता है? अभी 50 तक तो मैं ट्रिक बता दूंगा, लेकिन 20 तक कितने लोगों को आता है बताइए? ट्वेंटी तक आता है, रिंकू कह रहे हैं सर मुझे 20 तक आता है। ओके चलिए बताइए फिर फटाफट जरा, 19 स्क्वायर क्या होता है? 19 के स्क्वायर कौन बोलेगा? स्वैप कह रहे सर मुझे तो नहीं आता है। देखो भाई याद तो करना पड़ेगा, बेसिक याद करना पड़ेगा, लेकिन ट्रिक्स भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो बेसिक है जैसे मैंने बोला 20 तक एटलीस्ट कर लेंगे फिर ट्रिक्स से चले जाएंगे। नाइनटीन स्क्वायर कोई बताएगा? किसी को याद है? 361 होता है। अगर मैं आपसे कहूं 41 का तो आप कहेंगे सर मुझे तो नहीं आता, बट आपको याद होना चाहिए 1681 होता है। अगर मैंने बोला आपसे 36 का बताइए तो आपको रटा होना चाहिए, याद होना चाहिए 1296 होता है। तो अगर आपको बेसिक चीजें आ जाएंगी तो ये बहुत अच्छा होगा। स्पीड के मामले में आपको टेबल और स्क्वायर आने चाहिए। एक पॉइंट और ऐड कर लो यहीं पे, क्या? क्यूब्स। क्यूब्स आपको कहां तक आने चाहिए? 25 तक। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो 25 तक क्यूब्स जानते हैं? एनीबडी जिसको 25 तक के क्यूब्स आते हो? किसी को नहीं आता है, बट फिर भी एक एग्जांपल लेके समझाते हैं। क्या 9 का क्यूब आता है आपको? 9 का क्यूब किसी को याद है? पहली बात क्यूब समझते हैं ना आप, किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम्स, सेम नंबर रिपीटेड 3 टाइम्स। 9 क्यूब कौन बता सकता है? किसी को याद है? एनीबडी? 7 to 9 होता है, 9 का क्यूब 7 to 9। ऐसे अगर आपसे बोला जाए 11 का तो क्या बोलेंगे? 11 क्यूब। एनीबडी कोई बता सकता है? 1331। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो रिंकू बहुत बढ़िया, वेल डन। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग एटलीस्ट 25 तक तैयार कर लेंगे तो बहुत सारी चीजें आपके लिए इजी हो जाएंगी। ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है ना? तो मैंने आपको 3 बातें बताई हैं, ये आपको काम करके रखना है, क्योंकि जब भी बैच स्टार्ट करेंगे तो जो ट्रिक्स बताएंगे उसके पहले की चीजें हैं कि आपको इतना लर्न करना है। मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताता हूँ, जैसे स्क्वायर निकालने का है, बेस मेथड है जिसके थ्रू हम इजीली कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि मैंने नियर अबाउट 50 निकालना है, नियर अबाउट 50 ऐसे नंबर जो 50 के आसपास है उनका निकालना है मुझे, क्या? स्क्वायर। तो देखो ये जो केस है ना वो 50 का है, हमने नंबर किसके आसपास लिए? 50 के। इनका जो बेस है ना वो 25 होगा। क्या बेस होगा? 25। आप कहेंगे 25 क्यों लिया सर? देखिए 50 जी स्क्वायरिंग होता है वो 2500 होता है ना, इसीलिए मैंने 25 को बेस मान लिया कि अगर हमारे नंबर 50 के आसपास होंगे तो उनका जो स्क्वायर होगा वो 2500 के ही आसपास आएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, मैं आपसे कहूं कि मुझे अगर 49 का निकालना है स्क्वायर तो कैसे निकालेंगे? तो ध्यान देना, सबसे पहले 49 का स्क्वायर निकालना है, 50 से चेक कर लीजिए कितनी वैल्यू कम है, तो 49 है ना, 50 से चेक करेंगे तो 1 लेस होगा, मतलब 1 कम आएगा। अब करेंगे क्या, इस 1 का लिख देंगे स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन आप लिखिएगा 01, पेयर में लिखना है। इतनी बात समझ में आई? क्यों पेयर में लिखना? देखो 2500 में 00 है ना, तो 00 मेंटेन करने के लिए हमें पेयर में लिखना है। अब बेस वैल्यू क्या है? 25 है। बेस क्या माना? 25। इस 25 में 1 क्या कर दीजिएगा? लेस कर दीजिएगा, बस आपका आंसर हो जाएगा 2401। कितने लोग ये बात समझ में पा रहे हैं कि सर बिल्कुल क्लियर है, कोई समस्या नहीं है? अगर आप ये समझ जाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, फिर मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट। पहले आप ये वाला गॉट इट कीजिए, क्या ये समझ आया?
और अगर ये समझ में आया तो आप मुझे 48 का बता सकते हैं क्या? इतना फास्ट करके कॉपी पेन से अपनी यूज कीजिए और बताइए मुझे 48 का क्या होगा। इसी लॉजिक से देखो कितना कम है 50 में, ये 2 कम है। 2 का क्या लिखेंगे? 4, लेकिन लिखेंगे 0 4। मैंने क्या बोला, बेस लेना है 25, क्योंकि 2500 के आसपास रहना है, तो 25 में से 2 लेस कर देना ये वाला। सो आंसर क्या हो जाएगा? 2304। 2304 रिंकू, 2304। 2 का स्क्वायर लिखना है, 04। ईशांत वेरी गुड। क्या सभी लोग ये लॉजिक समझ पाए? रिंकू और ईशांत दो लोगों ने मुझे रिप्लाई किया है, इसके अलावा हबीबा एंड एवरीबडी। जैनब बताइए क्या क्लियर हुआ? अच्छा एक एग्जांपल और देते हैं। जैसे मैंने आपसे कहूं कि 56 का निकालना है, किसका? 56 का। तो कैसे निकालेंगे 56 का स्क्वायर? ये 100 से कितना एक्स्ट्रा है? 6, सॉरी 50 से कितना एक्स्ट्रा है? 6। पहले 6 का स्क्वायर लिख दीजिए। 6 का क्या होता है? 36 लिख दिया। अब देखो यहां जीरो नहीं बढ़ाने वाले हम लोग, क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी पेयर में है। बेस क्या है? 25। 25 में 6 क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। आंसर क्या होगा? 3136। ये बात हम लोग समझ पा रहे हैं कि हाँ हम लोग इजिली 50 के बेस से नियर अबाउट नंबर निकाल सकते। ऐसे 100 का बेस होता है, 200 का बेस होता है, सारे बेस के अकॉर्डिंग स्क्वायरिंग निकाली जा सकती। मल्टीप्लिकेशन के भी ऐसे रूल है, डिविजिबिलिटी के रूल है। जैसे क्वेश्चन आता है डिविजिबिलिटी का, मैं आपको दिखाऊं, पूछा जाता है अक्सर। एक नंबर लिखा हुआ है 7 2 3 4 5 6 4 2 7 8 9 4 5, ऐसे लिख दिया और बोला जाए कि इसको 8 से डिवाइड करना है, 8 से। सो रिमाइंडर क्या आएगा, कौन बताएगा? 8 से डिवाइड करना है ये नंबर, रिमाइंडर फाइंड करना। अगर आपको रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट पता है या डिविजिबिलिटी के रूल पता है तो आप कर सकते हैं, बट बिना रूल के नहीं कर सकते। तो क्या आंसर आप देंगे बताइए मुझे एक बार, या नहीं पता है तो भी बताइए कि सर मुझे अभी पता नहीं है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा 8 का रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। अगर 8 से डिवाइड करना है तो कोई बात नहीं, ध्यान दो। देखिए करते क्या है, 8 के लिए जब भी 8 से डिवाइड करना हो तो लास्ट के 3 नंबर्स को देखते हैं, बस कितने डिजिट्स को? 3 डिजिट्स को, और बस इसको डिवाइड करते हैं। अगर इसको हमने 8 से डिवाइड किया, 8 से लास्ट के 3 डिजिट नंबर है, 8 से डिवाइड किया, तो ये क्या होगा? 8 1 8 हो जाएगा, ये 1 आएगा, फिर ये 4 आ जाएगा, फिर ये 8 1 8 होगा, ये 6 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा। 8 8 64 मीन्स बचा क्या? 1। आंसर क्या होगा? 1। तो रिमाइंडर निकालने के लिए अगर 8 का डिविजिबिलिटी है तो केवल लास्ट के 3 डिजिट चेक करने हैं, प्रीवियस नंबर से कोई मतलब नहीं होता, या कुछ भी लिखा हो इसका कोई रोल नहीं होता। वो एग्जाम्पल प्रैक्टिस के साथ, टॉपिक के साथ जाना है। हर टॉपिक को हम लोग जीरो से शुरू करेंगे, इजी टू मॉडरेट, और देन आपको हाई लेवल के क्वेश्चंस, जो एग्जाम लेवल है, हाई लेवल इन द सेंस एग्जाम लेवल, जो एग्जाम में आते हैं, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे इस सेशन में। और बैच के बारे में आप सभी को पता ही है कि 22 जनवरी से बैच स्टार्ट होगा। मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू सैटरडे 2 आवर्स की क्लासेस होनी है इसमें। आपको जो क्लासेस हैं साथ में उसके नोट्स, टेस्ट, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी इस बैच में। हाँ इंक्वायरी नंबर आपके पास है? अगर नहीं है तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सारी चीजें आपको इस नंबर पे बता दी जाएंगी। कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो भी आप कॉल करके, या रिगार्डिंग एडमिशन आप इस पे कॉल कर सकते हैं।
तो अभी किसी के पास कोई डाउट, कोई सवाल, कुछ भी पूछना है तो आप बताइए, अदरवाइज आज का सेशन हम लोग ओवर करेंगे। क्योंकि तो बेसिकली हमारा जो मोटिव है ना, वो ये है कि हम लोग समझ लें कि जब बैच स्टार्ट करेंगे तो क्या क्या पढ़ने वाले हैं और कैसे करने वाले हैं। मेरा जो कंसर्न है मेन यही है कि हम लोग जीरो से शुरू करेंगे, उसमें आपको मैथ्स में A to Z सिखाना है मुझे, इसलिए आप बिल्कुल स्टार्टिंग से ज्वाइन करिए। तो जब आप स्टार्टिंग से करेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, बस आपको प्रैक्टिस करनी है मेरे साथ। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस कर लेंगे उतना आप अच्छा कर पाएंगे मैथ्स में, क्योंकि मैथ्स में बेसिक सीखने के बाद जो दूसरा है ऑप्शन है वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मतलब क्वेश्चंस खूब सारे लगाना, नो डाउट। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हम लोग मिलेंगे 22 तारीख से बैचेस में, तो बिल्कुल स्टार्टिंग से मैथ शुरू करेंगे सिंप्लीफिकेशन से। बस आप लोग जो मैंने आपको बताया है एक होमवर्क के तौर पे कि टेबल स्क्वायर क्यूब बेसिक चीजें आपके मन में हो जाए, आप थोड़ा रिवाइज कर लें, फिर जब भी हम कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे तो उसके साथ आप डे बाई डे नई चीजें सीखेंगे, उनको आप रिवाइज करेंगे, फिर हम लोग टेस्ट भी लेंगे, तो फिर धीरे धीरे चीजें वो और अच्छी हो जाएंगी। सो क्लियर एवरीवन, मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।